जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, रेलवे एएलपी की जो ये वैकेंसी आई है बहुत कम आई है। इसके लिए सभी छात्र सभी टीचर मिलकर ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, और वही बीच में अभी अभी एक ट्वीट आता है किसकी तरफ से, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से। यानी ये वो स्टाफ है जो अपनी बहुत सारी बातें जो ये कह देते हैं वो रेलवे को माननी पड़ती है। तो इन्होंने भी अब यहाँ पर हस्तक्षेप कर दिया, और ये बच्चों के सपोर्ट में आया, ना कि बच्चों के खिलाफ, और बच्चों के सपोर्ट में आकर इन्होंने दिखाया कि भाई कितनी पोस्ट वैकेंट है एएलपी की, इतनी वैकेंट पोस्ट है तो आपने इतनी कम वैकेंसी क्यों निकाली, इन्हें जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। क्या है वो पूरी चीजें, सारी सारी चीजों पर बात करेंगे, और कहीं ना कहीं ये बच्चों की पहली बड़ी जीत है। और अगर आप देखोगे तो हम ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया में इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। और आपसे भी मैं ये बात कहना चाहूंगा, और ये मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं कि भैया देखो आप सबको भी ये ट्वीट करना चाहिए। और आपके लिए क्या जरूरी है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी फॉर्म भरे आए अभी या नहीं भरे, तो बच्चों फॉर्म भरने से ज्यादा जरूरी है वैकेंसी इंक्रीज होना। फॉर्म भरने से जॉब मिल जाएगी नहीं, वैकेंसी होंगी तभी तो मिलेगी जॉब। तो आपका पहला फर्ज बनता है कि आज आज के लिए फॉर्म ना भरकर आपका पहला काम है कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे पर जाकर, मतलब ट्विटर पर जाकर ये वाला ट्वीट ज्यादा से ज्यादा करें। आप उसके लिए चाहे राहुल देसवाल सर्च करो तो ट्विटर में मिल जाओ, वहां मैंने ट्वीट कर रखा है, उसे रीट्वीट कर दो, या अपने आप अपने ट्विटर हैंडल से डायरेक्ट भी कर सकते हो इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। अब देखिए मामला देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने क्या कहा है कि ये वैकेंसी कम है, कितनी वैकेंट पोस्ट, और इनकी बातों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा एक ग्रुप है, संगठन है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। आप कहोगे लोको मतलब लोको पायलट, लोको पायलट मतलब जो ट्रेनों को चलाते हैं, तो लोको रनिंग यानी ट्रेन के जो रनिंग वाले एसोसिएशन होते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या कहा गया है, तो हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कहा गया, टू द चेयरमैन सीईओ रेल भवन न्यू दिल्ली रिस्पेक्टेड मैडम, आपको आवाज क्लियर आ रही होगी, इट इज सीम फ्रॉम द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिस इश्यूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट, इसका एक बार कलर थोड़ा सा ले लेते हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, द एडवर्टाइज वैकेंसी इज 4596 ओनली, सिर्फ इतनी ही वैकेंसीज हैं। ये यहाँ पे बात को कहा गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आप और थोड़ा सा फोकस कर पाओ, ठीक है। इन दिस कनेक्शन दिस एसोसिएशन विशेस टू पॉइंट आउट दैट द एक्सिस्टिंग वैकेंसीज एज ऑन दिसंबर 2023 इन द लोको रनिंग स्टाफ कैटेगरी स्टैंड एट 16373। उन्होंने कहा है कि भाई साहब आपने इतनी कम वैकेंसीज निकाली है, जबकि हम आपको बताना चाहते हैं इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। तो ए डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द सेंक्शन स्ट्रेंथ एंड वैकेंसीज अटैच्ड हेयर, तो उन्होंने एक नीचे भी बताया होगा कहां कहां कितने कितने पोस्ट खाली हैं, अटैच्ड हेयर विद अंगेज 16373 पोस्ट कॉलिंग एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 5696 पोस्ट इज टोटली डिसअपॉइंटिंग। कह रहे हैं कि अगर आप इतनी वैकेंसीज निकाल रहे हो टोटली डिसअपॉइंटिंग है, 5696 कोई नंबर नहीं है, बहुत छोटा नंबर है, और अगर आप इतनी वैकेंसी निकालते हो तो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है कि यार ऐसा हो कह सकता है जब आप पे इतने सारे खाली पद पड़े हैं। ये सब लोग कि मेरे पास अभी 100 लोगों की जरूरत है मुझे, और जब भी मेरी कंपनी अच्छी चल पाएगी तो मैं 100 लोग चाहूंगा ना वो आ जाए, कि मुझे बताऊं 100 लोगों के आने से सारी चीजें बढ़िया चलेंगी। और यहां तो पूरा रेलवे, जो कि आपको पता है कि अगर रेलवे में अगर लोको पायलट नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें बनती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो इन्होंने ये साफ बात कही, जब इतनी सारी पोस्ट खाली है तो सिर्फ इतनी ही क्यों निकाली गई है। आगे कहा गया, एडिट टू दिस, इसमें एडिट करते हैं उन्होंने कहा, एडिट टू दिस क्रू रिव्यू नॉट बीन डन बाय मेनी जोनल रेलवेज एज डायरेक्टेड बाय रेलवे बोर्ड वाइड दिस लेटर आरबी दिस इफ क्रू रिव्यू इज कंप्लीटली बाय जोनल रेलवेज द वैकेंसी पोजिशन विल इंक्रीज फर्दर फ्रॉम दिस पोस्ट। तो कह रहे कि पूरी तरह से आप रिव्यू करिए, आपकी वैकेंसी इतनी पूरी बढ़ेंगी और इतनी ही आनी चाहिए, इट वुड अमाउंट टू एक्चुअल वैकेंसी ऑफ लोको रनिंग स्टाफ। तो ये टोटल वैकेंसीज ये हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया कि आपको ये वैकेंसी देनी चाहिए। होता क्या है कि यार ऊपर वालों को नहीं पता होता, तो ऊपर वालों तक या तो ट्विटर के थ्रू पहुंचाई जा सकती है बातें, शायद इनको पहले तक इस बात का नहीं पता था, हमने ट्विटर पे ट्वीट कराया आप सबने, सभी टीचरों ने, सभी स्टूडेंट्स ने मिलके, तो ये यहाँ कहाँ तक बात पहुंची, ये पहुंची मेरे भाई इन लोगों तक, बड़े बड़े एसोसिएशन तक ये बात पहुंची, जैसे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, यहाँ तक बात पहुंची। अब इनकी बातें डायरेक्ट होती है, जैसे इन्होंने डायरेक्ट कह दिया भाई द चेयरमैन रेलवे के, ठीक है, रेल भवन। तो अब इनकी बात सबसे पहले वो देखेंगे, यार इनकी ये बात क्यों आई हमारे पास, अच्छा ऐसा ऐसा है क्या, ऐसा हो रहा है, तो ये बात और ज्यादा सुनी जाएगी। अब इसे और ज्यादा गंभीरता से वो ले पाए उसके लिए आपको ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों ट्वीट करने चाहिए, क्योंकि देखिए आप समझिए कि अगर आपको जीतना है, क्योंकि देखिए आप समझिए कि आपको 200 रन बनाने हैं और आपने 199 रन मार दिए और आपको लग रहा है हम तो जीत गए, परंतु जीतोगे तब तक नहीं जब तक 200 रन नहीं बन जाते।
तो मेन मुद्दा यह है कि जब तक आपकी पोस्ट इंक्रीज नहीं हो जाती तो ट्यूटर पर जाकर धड़ल्ले से ट्यूट करते रहिए। और जो भी आपके यार दोस्त फॉर्म भरने में लग चुके हैं, सोच रहे हैं फॉर्म भर देते हैं, तो उन्हें कहिए बेटे थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में एक दिन बाद फॉर्म भर देना, कहीं कुछ नहीं भागा जा रहा। उनसे कहो पहला काम है वैकेंसी इंक्रीज करानी है, उसके लिए ट्यूटर पर जाकर ट्यूट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ने का पूरा पूरा मामला सामने आ रहा है और ये बढ़ भी जाएंगी, पर अगर आप ढीले पड़ गए तो फिर से चीजें ढीली पड़ जाएंगी। आपने देखा होगा सर, कोई अगर कोई केस है जब न्यूज़पेपरों में धड़ल्ले से चल रहा होता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होती है, और जैसे जैसे न्यूज़पेपरों से छापना बंद करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी उतनी धीमी हो जाती है। तो आप ही हैं जो इस पर कार्रवाई तगड़े तरीके से करा सकते हैं, और वो सिर्फ वो बच्चा नहीं जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, हर वो बच्चा जो किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो आप सब मिलकर करोगे वही चीजें, मतलब कि आप सब एक रहोगे ना तब तक आपकी जीत है। तो आप जाके ट्विटर पे ट्वीट करें हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। और यहाँ पर राहुल गांधी ने भी यहाँ पर ये बात की, राहुल गांधी जी ने, कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है तब प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। देखिए ये तो ये बात कह रहे हैं, पर मुद्दा क्या है कि अगर प्रधानमंत्री जी से हम तो ये कहेंगे कि आप धोखा क्यों नहीं, आप धोखा मत करिए, आप सिंपल वैकेंसी बढ़ा दीजिए, हम हमेशा आपके पक्ष में रहेंगे, परंतु आप स्टूडेंट्स के पक्ष में रहिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं जो 5-5, 6-6 साल से परेशान हैं उनके साथ आगे खड़े रहें और एक बार जरूर इस वैकेंसी को इंक्रीज करें। और कहीं ना कहीं बच्चों ये पक्का हो जाएगी इंक्रीज, आपको भी कुछ अपनी तरफ से एफर्ट डाल लोगे। बच्चा सोचता है यार ठीक है एक बार ट्यूट कर दिया, आप 10 लोगों से ट्यूट कराइए, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में कोई धरती इधर उधर नहीं हो रही, एक दिन बाद फॉर्म भर देना। तो आप सभी एक बार इस वीडियो को हर अपने यार दोस्त तक पहुंचा दीजिए जो फॉर्म भरना चाहता है, तो मैं उनसे खुद रिक्वेस्ट कर लूंगा हाथ जोड़ के कि मेरे प्यारे बच्चों अभी फॉर्म मत भरना, कोई जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने की, एक दिन बाद भर लेना। अभी सबसे पहला आपका जो काम है वो काम क्या है, ट्यूटर पे ट्यूट करें और वैकेंसी, क्योंकि आज और कल में या परसों तक ही ये वैकेंसी भरने का नोटिस आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो आपका पहला काम है पहले वैकेंसी बढ़ जाए, क्योंकि फॉर्म सारी दुनिया भरेगी, जॉब तभी मिलेगी जब वैकेंसी बढ़कर आएंगे। तो गाइस आपका सबसे पहला काम यही रहने वाला, तो जाइए जल्दी से ट्यूटर पे ट्यूट करें और जाकर मेरे भाई सभी बच्चों को भी भेजें इस वीडियो को जल्दी से। ओके गाइस बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। मैं आशा करता हूं सभी जाएंगे ट्विटर पे ट्यूट करेंगे और एक दूसरे का, सभी बच्चे सपोर्ट जरूर करेंगे, चाहे वो रेलवे तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा, एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करें। ओके गाइस बाय, लव यू।